आज से 13 साल पहले 4 अप्रैल 2011 हिंदू नववर्ष पर जमुना प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट की योजना से हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास महाराज के सानिध्य में 200 से 300 लोगों का प्रतिदिन चलित प्रसादम सेवा के नाम से गाड़ी में भोजन वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। मेडिकल कॉलेज के अंदर मरीज के परिजन और मरीजों की पूरी सब्जी कड़ी चावल हलवा वितरित उनको किया जाता था। इस मौके पर पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी ने कहा, भूखे को भोजन देना हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन परंपरा है। उसी परंपरा को अग्रवाल परिवार आगे बढ़ा रहा है। जो शहर के किसी भी स्थान में 13 साल से गाड़ी में भोजन रख कर ले जाया जाता है, जहाँ स्टील की थालियों में शुद्ध साफ भोजन पीने का शुद्ध पानी भी रहता है। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। लगातार 13 वर्षों से हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट द्वारा संचालित चलित प्रसादम सेवा के द्वारा आज आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में मरीज और मरीज के परिजन यहाँ भोजन प्रसादी पा रहे हैं। आज पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी भी आई, उन्होंने आज यहाँ का शुभारम्भ किया। और हमारे यहाँ की हजारों वर्षों की प्राचीन परम्परा है, जो आप जानते हैं भूखे को भोजन देना, यही इसी राय पे हम लोग आज आगे चल रहे हैं। हमारे देश की एक विशेषता है, इतने लोग भंडारा में प्रसाद पाते हैं, करोड़ों लोग, जितनी 100 देशों की संख्या है उतने लोग हमारे देश में भंडारा में प्रसाद पाते हैं। उसी परंपरा को लेके हम लोग यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 300 लोगों को भोजन बांटते हैं। आज हमने 13 साल पूर्ण होने पर 1000 लोगों की प्रसादी बांटी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, अपने साई मंदिर में भी और साथ में गौरीघाट में भी आज प्रसादी बांटी। सुधीर अग्रवाल, संस्थापक नर्मदा महाआरती, जबलपुर। बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर भारत भेड़ाघाट की तरफ से यहाँ पर पिछले 13 वर्षों से चलित प्रसादम सेवा का आयोजन किया जा रहा है और नित्य प्रति हजारों लोग इस सेवा के माध्यम से भोजन करते हैं। अभी हम लोग आज 13 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के परिसर में यहाँ चलित प्रसादम सेवा का आज आयोजन किया जा रहा है। आप में देख ही रहे होंगे मेरे पीछे कि कितने लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। जो लोग अपने मरीजों के साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से दूर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं, वे एक तरह से बहुत बेसहारा लोग होते हैं जिनके भोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, और ऐसे लोगों को यदि दोपहर के समय भरपेट भोजन मिल जाता है तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पूरा परिवार, पूरा अग्रवाल परिवार और माता जी के निर्देशानुसार, पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के निर्देशानुसार ये जो सेवा निरंतर चल रही है, इनको सबका सहयोग भी मिलता रहे और माँ नर्मदा मैया इनको खूब सामर्थ्य दे कि इस सेवा को निरंतर करते रहें और इसी तरह से जन कल्याण के कार्यों में ये सहयोगी बने रहें। नर्मदे हर। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।